और बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई। दोपहर 3 बजे ही था नामांकन भरने का समय। निर्वाचन कार्यालय में मौजूद उम्मीदवार ही नामांकन भर सकेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई, यानी जिन सूरमाओं को चुनाव में उतरना था अब वो उतर चुके। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन फॉर्म भरा जाना था। निर्वाचन कार्यालय में मौजूद उम्मीदवार ही अपना नामांकन भर सकेंगे। दोपहर 3 बजे था नामांकन भरने का समय। बड़ी खबर इस वक्त की, नामांकन की प्रक्रिया आखिरकार खत्म हो गई। आज के दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। फिलहाल आपको बता दें कि जो उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय में मौजूद होंगे सिर्फ उन्हीं का नामांकन ही भरा जा सकेगा। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म। 4 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन। दोपहर 3 बजे तक था नामांकन भरने का समय। निर्वाचन कार्यालय में मौजूद उम्मीदवार ही नामांकन भर सकेंगे। जो अंतिम दिन भी तमाम दिग्गजों ने अपना पर्चा दाखिल किया और अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक ही था नामांकन भरने का समय। बड़ी खबर इस वक्त की, निर्वाचन कार्यालय में मौजूद उम्मीदवार ही अपना नामांकन भर सकेंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, आखिरकार निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई है, नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई है और दोपहर 3 बजे तक का ही समय इसके लिए निर्धारित था। बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही थी और आज 3 बजे तक का समय था नामांकन प्रक्रिया भरने का, और इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा ने, अनैना चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने नामांकन भरा है। और देखने वाली बात ये होती है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने नामांकन भरे गए हैं। वो आंकड़े अभी चुनाव आयोग की तरफ से आने बाकी है। हालांकि जो नामांकन की प्रक्रिया थी, तमाम जो उम्मीदवार थे, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें या निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें, तमाम कैंडिडेटों ने अपना नामांकन आज भर दिया। 3 बजे तक का आखिरी समय था। सचिवालय चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि 3 तारीख तक ही नामांकन भरे जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, 3 बजे तक ही नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू मतलब खत्म हो जाएगा। और इसी कड़ी में तमाम जो दिग्गज थे, जो बाकी रह गए थे, उन्होंने भी आज अपनी नामांकन प्रक्रिया को पूरी कर ली है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट आना है जिसके आधार पर बताया जाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने उम्मीदवारों ने चुनाव नामांकन बनाया। हालांकि नामांकन वापिस लेने का समय भी अभी बाकी है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस विधानसभा सीट से कितने जो कैंडिडेट है वो नामांकन वापिस लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि आज जो नामांकन की प्रक्रिया जो है खत्म हो गई है, नामांकन वापसी की अभी तारीख है और उस दौरान ही नामांकन अपना तमाम उम्मीदवार वापस ले सकते हैं जो चुनावी समय में मैदान छोड़ना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। फिलहाल जो लोग कार्यालय में, निर्वाचन कार्यालय में मौजूद रहेंगे वही अपना नामांकन भर सकेंगे। आखिरी दिन हमने आपको लगातार बताया है कि कैसे दिग्गजों ने अपना फॉर्म भरा, अपना पर्चा उन्होंने दाखिल किया। रणदीप कंबोज की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, अनिल विज, मनीष ग्रोवर, विशाल पवार, इन सभी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से अपना पर्चा दाखिल किया। दुष्यंत चौटाला ने उचाना कला और नैना चौटाला जिनकी सीट इस बार बदली गई है, डब्बाली से उन्हें बाढ़ा की सीट दी गई है, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया। 7 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। हर्ष, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है इस वक्त?
देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से नामांकन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन जो है सबसे पहले जो है जेजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन भरा, उसके बाद भाजपा प्रत्याशी ने भरा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है मोहित धनवंतरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और अब नामांकन की प्रक्रिया बिल्कुल जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हालांकि एक प्रत्याशी जो ऐसा भी था जो नामांकन दाखिल करने के लिए आया था लेकिन कागजों की कमी की वजह से उनका नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। अब जो है केवल प्रत्याशी जो है जिस तरीके से अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं और अब नामांकन के लिए कोई भी चेहरा मैदान में शेष नहीं बचा है। शाम तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रोहतक विधानसभा से कितने प्रत्याशी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कैंडिडेट ने भी तरीके से चुनाव जो है नामांकन दाखिल किया, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है। अभी फिलहाल जो है अब नामांकन की प्रक्रिया बिल्कुल शांत हो गई, अब तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार करेंगे जी। चलिए हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नामांकन की ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बारी चुनाव प्रचार की है। शांतिपूर्वक तमाम दल अपने अपने चुनाव प्रचार में अब जुट गए हैं और आपको बता दें इससे पहले तमाम दिग्गजों ने पर्चा भरा। हिसार का रुख कर लेते हैं, संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आज नामांकन का आखिरी दिन क्या हलचल देखने को मिली और अब नामांकन का समय भी खत्म हो गया? जी बिल्कुल, नामांकन का जो निर्धारित समय था वो समाप्त हो चुका है और आज हिसार बरवाड़ा में बहुत सारे अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अगर हम पहले बरवाड़ा की बात करें तो बरवाड़ा से जो भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पुनिया उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस से जो अभी प्रत्याशी घोषित किए हैं भूपेंद्र गंगवा उन्होंने बरवाड़ा में ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं रामनिवास घोड़ेला उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा जेजेपी पार्टी से जोगीराम सिहाग ने अपना नामांकन पत्र बरवाड़ा में दाखिल किया और अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में उपलाना से जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके पूर्व विधायक नरेश चेलवाल उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आदमपुर से अगर बात करें तो सोनाली फोगाट जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज बहुत सारे दिग्गज नेताओं ने क्योंकि आज अंतिम तिथि थी इसलिए आज निर्धारित समय के दौरान सभी निर्दलीय और पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चलिए अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सार से भी तमाम दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया और आज नामांकन का आखिरी दिन, नामांकन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक ही था नामांकन का समय और इस दौरान आज आखिरी दिन कई दिग्गजों ने भी अपना पर्चा भरा। पूर्व सीएम हुड्डा, इसके अलावा बीजेपी से अनिल विज, मनीष ग्रोवर, कर्णदेव कंबोज, कृष्णलाल पवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के साथ जेजेपी के दिग्गजों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। दुष्यंत चौटाला ने उचानाकला और नैना चौटाला ने बाढ़ड़ा से अपना पर्चा दाखिल किया। सबके बीच आज विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे खत्म हो चुकी है, सुबह से ही क्या हलचल देखने को मिली, आज आखिरी दिन था नामांकन का? देखिए, आप जानती हैं कि कई बड़े चेहरों ने आज नामांकन भरा है जी और जिनको भी अभी देखना है कि विड्रॉल अभी बाकी है, कौन नाम वापिस लेता है, तो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2 दिन छटाई होगी और उसके बाद विड्रॉल होगा, यानी कि 5 और 6 को छटनी होगी और 7 तारीख को विड्रॉल की डेट रखी गई। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश गुप्ता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे और जानकारी ये दे रहे थे कि अब छटनी की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, यानी 5 और 6 तारीख को छटनी की प्रक्रिया होगी और 7 तारीख तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी जो प्रत्याशी अपना पर्चा वापस लेना चाहते हैं वो 7 तारीख तक ही अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। केस को चुनाव और 24 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान।